फिर से पाकिस्तान जा रहे हैं. वेल इट्स माय थर्ड टाइम इन लास्ट 12 मंथ्स कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ. सो हम जा रहे हैं पाकिस्तान और रीज़न ये है कि मेरी फैमिली के मेरी इमीडिएट फैमिली के अंदर एक इवेंट है तो उसको अटेंड करने जा रहा हूँ मैं. आज संडे है और हम पैकिंग कर रहे हैं एंड वी लीव ऑन वेंसडे. और हम पैकिंग आज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज we're leaving on a work day. Hello everyone. So आज हो गई है वेंसडे की शाम और टाइम हुआ जाता है हमारे जाने का ऑलमोस्ट. अभी थोड़ा सा टाइम रहता है सो हमने निकलना है 6 बजे. एंड व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 5:30 हो गए हैं. हमारे फ्रेंड हमें लेने आते ही होंगे. हमने 6 बजे घर से निकलना है और तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है. सब कुछ ये सामान पैक होके रखा हुआ है. सो यस दैट्स द सिचुएशन. सो लेट्स सी हाउ यू फीलिंग. यस वी आर बोथ हंग्री राइट नाउ. अभी हमने एयर फ्रायर लगाया है. लेट्स जस्ट सी कि क्या खा सकते हैं हम, क्योंकि प्लेन में तो लेट खाना मिलेगा और हम 12 बजे जो है वो लंच कर लेते हैं, विच मीन्स कि अभी काफ़ी गैप आ गया है. सो यस ये हमारे डिनर का टाइम होता है यूजली. तो हाँ तो चलता रहे ना. ओके गाइस, सो हमारे जाने से पहले एक लास्ट बर्फबारी, नहीं पहली बर्फबारी जो है वो भी हो रही है. तो हम बर्फबारी देख के जा रहे हैं. एंड दिस पर्सन इज नॉट क्रैंकी बिकॉज़ हैंग्री. हैंग्री इज अ टेक्निकल टर्म. ओके. और ये कोई पूछे कि ये जूते यहाँ रखने की जगह होती है, ये किचन की शेल्फ होती है, ये जूते रखने की जगह होती है. टेल मी प्लीज क्या इज दिस द प्लेस टू कीप योर शूज? यस. And I'm sticking to my answer. हमारी फ्लाइट एयर कैनेडा से थी जिसका लेओवर दुबई में था और दुबई से ऑनवर्ड्स हमने एमिरेट से फ्लाई करना था. टू माई सरप्राइज हमें फ़्लाइट में सभी मील्स काफ़ी अच्छे मिले. हालांकि प्लेन का खाना कोई बहुत अच्छा नहीं होता बट द मील्स सर्व्ड इन दीज फ्लाइट्स वर एक्चुअली नाइस.
फ्लाइट चूँकि काफ़ी लंबी थी सो सोते जागते बुक पढ़ते और मूवीज़ देखते गुजारने की कोशिश की, मगर शैतान की आंत फिर भी ख़त्म नहीं हुई। टोरंटो से दुबई के ट्रैवल में हमें फ़्लाइट पर दो फुल मील्स के अलावा एक स्नैक सर्व हुआ। हर मील में दो ऑप्शंस थीं। फ़नी सीन ये हुआ कि उसामा ने जब जब जो जो मील ऑप्शन सेलेक्ट की, हमारी सीट पे पहुंचने तक वो ख़त्म हो गई। सो उसामा को चुपचाप करके वही खाना पड़ा जो कि अवेलेबल था। इस बात का गम उसामा आज भी नहीं भूले। इसके अलावा दोनों ही फ्लाइट्स पर एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल थीं और स्क्रीन्स भी काफ़ी अच्छी थी। सो अगर आप अपने साथ एंटरटेनमेंट का सामान रखना भूल गए हैं तो दोनों ही फ्लाइट्स में इजीली टाइम पास कर सकते हैं। मैंने अपना टाइम एनिमेटेड मूवीज़ देखते हुए गुजारा। I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Or lastly, मौसम की वजह से हमारी फ़्लाइट काफ़ी टर्बुलेंट थी। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने टर्बुलेंट फ़्लाइट एक्सपीरियंस की एंड मच टू माय सरप्राइज मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ। हालांकि अकॉर्डिंग टू उसामा फ़्लाइट काफ़ी टर्बुलेंट और काफ़ी स्केरी थी। ever, forever, forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just... Finally, अल्लाह अल्लाह करके हम दुबई एयरपोर्ट पहुँचे। ये मेरा दुबई एयरपोर्ट का फर्स्ट विजिट था एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तो दुबई एयरपोर्ट की फ़ैन हो गई हूँ। दुबई में हमारा स्टे 7.5 घंटे का था और हमने ट्रैवल वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था, सो हमें अपना टाइम एयरपोर्ट के अंदर ही गुजारना था। Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. इतनी लंबी फ्लाइट के बाद सबसे पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस था फ्रेशन अप होने का, सो हमने सबसे पहले वही किया। फिर हमने एयरपोर्ट का टूर लिया और थोड़ी सी शॉपिंग की। दुबई एयरपोर्ट पे एक अच्छी चीज़ है मुस्लिम शॉवर। उफ, मज़ा ही आ जाता है जब बंदा वॉशरूम जाए और साथ बॉटल ना उठा के ले जानी पड़े। उसके बाद हम नमाज़ के लिए मस्जिद चले गए। मस्जिद में इतना सुकून था कि मेरा तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। जी चाह रहा था उधर ही कारपेट पे सो जाऊं, बट वहाँ स्पेशल नोटिस था कि इधर सोना और खाना अलाउड नहीं है। सो थोड़ी देर सस्ताने के बाद मैं वापस बाहर चली आई।
दुबई एयरपोर्ट पे ये रिक्लाइनर चेयर्स काफ़ी अच्छा फीचर हैं, स्पेशली जब आप लंबा ट्रैवल कर रहे हों। सो हमारा लास्ट ठिकाना यही चेयर्स थी। एक और अच्छी चीज़ जो दुबई एयरपोर्ट पे थी वो थी हलाल खाना। ऑल्दो प्राइसेस काफ़ी हाई थी, स्पेशली जो मुझे खाने का दिल चाह रहा था उसकी। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमने बोर्ड की दुबई से पाकिस्तान की फ़्लाइट। एमिरेट्स वाले आपको खाना ऐसे देते हैं जैसे आप सदा के भूखे हों, इतनी बड़ी ट्रे वो भी चीज़ों से भर के। मेरी हाफ ट्रे तो यूं ही ज़ाया गई, स्पेशली इसलिए भी कि एयरपोर्ट पे मैंने बहुत अच्छा मील खाया था। और इसी तरह हम पहुंचे पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमने क्या क्या किया उसके लिए हमारे अगले व्लॉग का वेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब नेक्स्ट व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन इट। और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Well, हम पाकिस्तान पहुंच आए हैं फाइनली, और हम आते साथ ही सो गए थे बिकॉज वी वर रियली 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 टायर्ड। टेंशन टेंशन टेंशन। सो हम जो है ना गुजारा चला रहे हैं। इट लुक्स फनी बट मुझे टेप कहीं नहीं मिली।